वेलकम बैक माई न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अभी आज मैं मतलब अब मैं बना रही हूँ गुंजिया, तो गुंजिया का मैं बता देती हूँ कि किस तरह से बनानी है, क्या क्या तैयारी करनी है हमें शुरू। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं आगे के लिए। ये देखिए, ये मैंने घर का ही मावा भुना है, मतलब करीबन एक ऐसा होगा दो ढाई ढाई तीन किलो दूध में ये मावा किया है। घर पे मावा कर लिया था और इसमें मैंने काजू, किशमिश और बादाम डाले हैं, और अभी मैं इसमें गोला डालूंगी। और मैं एक किलो, एक डेढ़ किलो तक, क्योंकि हम लाइट ही मीठा खाते हैं, एक डेढ़ किलो मैंने बूरा मंगवाई है, दरदरी बूरा मंगवाई, मतलब मोटी बूरा मंगवाई है, वो बूरा डालूंगी इसके अंदर और इसको फिर मिक्सअप अच्छे से कर लेंगे। एक बात और, अगर आप इसमें थोड़ा, मुझे कोल्ड हो रहा है, सॉरी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से थोड़ा हो गया है। अच्छा, एक बात और, अगर आपको इसमें इलायची वगैरह इलायची दाना डालना है तो आप डाल सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। ठीक है, तो इसको फटाफट हम मिक्सअप कर लेते हैं और जब अच्छे से बना लेते हैं इसको। ओके, और एक किलो करीबन, हाँ, मैदा है, मैदा मल लेंगे और बस। मैं और आगे की प्रोसेस मैं आपको दिखाती रहूंगी इसमें। फ्रेंड्स, मठरियों का ही तेल बचा था, अब तो मैं उसी में भुने दे रही हूँ। थोड़ा सा उसमें किनके वगैरह से तेल ऐसा हो गया है काला सा, लेकिन उसी में भून लेती हूँ, फ्राई कर देती हूँ सारी भुजिया उसी के अंदर। कोशिश तो मैं ये कर रही हूँ कि फटे ना, पता है, कोशिश तो ये कर रहे हैं कि फटे ना, लेकिन एक आध फिर भी फट जाते हैं तो तेल एकदम तुरंत गंदा हो जाता है। खैर, कोई बात नहीं। और इतना सारा आटा बच गया है तो मैंने सोचा कि अब बाकी आटे की बालूशाही बना दी जाए, तो मैं फटाफट बना देती हूँ। काजू, चलिए आगे।
ये फ्रेंड्स देखिए बालूशाही भी मैंने ये बना दी है, ठीक है, और मटरी भी मैंने भर के रख दी है यहाँ से। किचन भी मेरी करीब करीब साफ ही है, जो थोड़ा बहुत फैल रहा है काम उसे भी मैं कंट्रोल कर दूंगी। आप सब ने देखा कि मैंने आज मतलब गुंजिया बनाई और ये बालूशाही बनाई, तो आप सबको कैसा लगा कैसा नहीं ये बताइए। तो आप सबको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, कोई डिश हो या कुछ भी हो, जो भी कुछ अच्छा सा मैं करूंगी उसको मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे ख्याल, बच्चे से अच्छे से ख्याल रखिएगा और हैप्पी होली इन एडवांस में, और बहुत अच्छे से होली मनाइएगा, साफ सुथरी होली मनाइएगा, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत कीजिएगा। तो बहुत अच्छे से आपको और आपके परिवार को, मेरे परिवार के से मेरे परिवार की तरफ से आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।